वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू तो डियर स्टूडेंट्स आज जो हमारा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है आज की क्लास में जो हम टॉपिक करने वाले हैं कुछ अदर पार्टीशन्स uh, के अदर पार्टीशन्स में बेसिकली तीन चीज़ों को पढ़ेंगे हम क्वाटाइल डीसाइल और परसेंटाइल तो सबसे पहले आज की क्लास में हम क्वाटाइल पे फोकस करेंगे क्वाटाइल को कंप्लीट करने के बाद मैं डीसाइल पर आऊँगा उसके बाद फिर मैं परसेंटाइल पर आऊँगा तो चलिए आज की क्लास में हम फोकस पूरी तरीके से अपना क्वाटाइल पर करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये है आपका कि सर क्वार्टाइल्स क्या है तो पहला क्वेश्चन आपका यही है कि बच्चे कि सर बताइए जरा क्वार्टाइल्स क्या है तो जरा इस बात को समझते हैं हम हां जी तो आइए पहले इसको समझिए आप कि क्वार्टाइल्स क्या है क्वाटाइल्स हां जी बच्चे तो क्वार्टाइल्स क्या होता है बेसिकली अगर मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो पहले समझिए कोई एक आ, जैसे ये है आपके पास में ठीक है बच्चे और इसके अगर मैं बात करता हूँ इसके चार इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं तो इसमें क्या है ये आपका जो है इसी को हम क्या बोलेंगे क्वार्टाइल अगर ये पहला तो फर्स्ट क्वार्टाइल इसको हम बोलेंगे दूसरा क्वार्टाइल इसी तरीके से थर्ड क्वार्टाइल एंड इसकी तरीके से फोर्थ क्वार्टाइल तो ये क्या है ये आपका एक क्वाटाइल है तो क्वाटाइल इसी को कहते हैं इनको हम क्वाटाइल कहते हैं क्लियर है अब आइए जरा एक चीज और हम समझते हैं यहां पर कि क्वाटाइल का बेसिकली मतलब क्या है एक सीरीज लेता हूं मैं एक इंडिविजुअल सीरीज ही ले रहा हूं एक सीरीज लिया मैंने बच्चे तो इस सीरीज में अगर आप देखेंगे तो इस सीरीज को जो है चार इक्वल पार्ट में अगर आप डिवाइड करते हैं सीरीज को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड अगर आप करेंगे एक पार्ट ये रहा दो पार्ट तीन पार्ट और चार पार्ट चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया सीरीज को मैंने ठीक है तो जो फर्स्ट पार्ट मैंने डिवाइड करा तो फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट का जो आपका नंबर है ये आपका क्वार्टाइल है क्यू वन और जो सेकंड पार्ट का आपके पास में है ये भी है मेरे पास में क्या है चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को क्वार्टर कहते हैं चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को क्या बोलते हैं क्वार्टर बोलते हैं एक आपके दो और तीन और चार बात समझ गए तो एक क्वार्टर आपका ये हो गया 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 तो किसी भी सीरीज को चार बराबर भागों में बांट देना तो चार क्वार्टर मैक्सिमम चार क्वार्टर ही हो सकते क्योंकि कंप्लीट फिर क्या बन जाता है वो एक बन जाता है

आधे सीरीज का मिडल नंबर आधे सीरीज का मिडल नंबर पहले समझ लीजिए इस बात को आधे सीरीज क्या ये है ना तो आधे सीरीज का मिडल नंबर दिस वन इसको मैं क्या बोल सकता हूं इसको मैं Q1 वन बोलूंगा तो भैया अब मान लीजिए अगर मुझे पूरे साल का एवरेज निकालना है मैं एक बिजनेस करता हूं मुझे अपना एवरेज सेल निकालना है पूरे ईयर का निकालना है तो भैया पूरे साल का मुझे मीड मोड आ, मीडियन निकालना पड़ेगा मैं लास्ट क्लास में मीन क्या होता है मीडियन क्या होता है दोनों एक ही होता है बस निकालने के मेथड्स अलग अलग है इन सभी बातों पर चर्चा कर चुका हूँ उसको वीडियोज़ को देखो तभी आपको बातें पता लगेंगी मैं आज क्या पढ़ा रहा हूँ आपको क्लियर है सब चीज़ें कनेक्टेड है समझने के लिए अभी तो क्वेश्चन तो दो मिनट में हो जाएगा एक फॉर्मूला दूंगा लगाऊंगा अगर सवाल हो गया पर उससे सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगी तो पहले पिछले क्लासेस को आप सही से देखिएगा तो बच्चे पूरे साल का मेरा सेल्स हर महीने का अपना थोड़ा अलग अलग रहा मैं औस्तन एवरेज सेल जानना चाहता हूं ऑल ओवर सेल मेरा जो है पूरे साल का एक एवरेज सेल कितना रहा तो मैं एक तरीके से मीडियम निकाल सकता हूं मतलब कि मैं अपने सेल्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख कर के मैं उसका बीच आ नंबर पकड़ लूंगा तो कहीं ना कहीं वो एवरेज के नीरे से एक नंबर होगा ठीक है लेकिन फर्स्ट क्वार्टर का क्यू वन का मतलब क्या हुआ कि मैं आ, मेरे आधे सीरीज के आधे पे आ जाना पच्चीस परसेंट का मतलब क्या होता है आप खुद बताओ सौ परसेंट का आधा होता है पचास परसेंट और पच्चीस परसेंट का मतलब होता है पहले पचास परसेंट का भी आधा बात समझ गए तो अगर मैं किसी एक सीरीज को ये ठीक है सो परसेंट है तो पहला पच्चीस परसेंट आप पे आ जाओगे ना पच्चीस परसेंट पे आ जाओगे आप Q1 वन पचास परसेंट पर आ जाओगे Q2 टू पचास परसेंट बिल्कुल सही पकड़ा आपने मीडियम भी कहते हैं इसको पचहत्तर परसेंट पे आ जाओगे क्यू थ्री हंड्रेड परसेंट पर आ जाओगे तो Q4 ये होता है हर सीरीज आपका इस तरीके से डिवाइड होता है तो सीरीज को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो तो जो पहले पार्ट चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे जो पहला पार्ट का आपका एंड वाला सेक्शन होगा जो फर्स्ट पार्ट का एंड होगा वो बेसिकली फर्स्ट हाफ हाफ के मिड में होगा मतलब कि फर्स्ट हाफ के एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्लियर है जो आपका क्यू टू होगा मतलब क्वार्टाइल टू मींस फिफ्टी परसेंट तो ये क्या होगा ये कंप्लीट सीरीज के मिड पे होगा और मतलब कि ये क्या कह रहा है ये कंप्लीट सीरीज के एवरेज के नियर नंबर होगा और अगर क्वार्टर थर्ड के मैं बोलूंगा तो सेकेंड हाफ सीरीज के एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है किसके कंप्लीट सीरीज नहीं सेकेंड हाफ सीरीज के एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपके पास पे क्यू फोर का मतलब होता है कि सीरीज के लास्ट क्वार्टर का आपके पास में एंड नंबर कौन सा है तो बेसिकली आपके एग्जाम में क्यू वन एंड क्यू थ्री पूछते हैं क्यू टू तो आपका मीडियन ही होता है तो बच्चे क्यू वन क्या है किसी सीरीज को चार इक्वल सीरीज में आठ नंबर भी हो सकते हैं पंद्रह भी सोलह भी पच्चीस पचास भी नंबर हो सकते हैं उसको चार बराबर भागों में बांट देना इसको बोलते हैं क्वार्टाइल्स और हर भाग का अंत वाला नंबर हर पोर्शन का हर पार्टीशन का चार इफोर एक इक्वल पार्टीशन में डिवाइड कर देना उसको क्वार्टाइल बोलते हैं और हर पार्टीशन का लास्ट वाला नंबर

क्योंकि मेरा क्या होगा क्यू वन फर्स्ट हाफ का मुझे बता देगा अगर मैं सेकेंड सेकेंड हाफ ईयर की अगर मैं एवरेज uh, अपने जो है परफॉर्मेंस देखना चाहता हूं तो फिर मुझे Q3 निकालना चाहिए और पूरे ईयर के मैं एवरेज परफॉर्मेंस जाना चाहता हूं तो मुझे Q2 निकालना चाहिए मेरी बात समझे या नहीं समझे तो क्वार्टाइल का बेसिकली अब यहां पर समस्या ये है कि यार ये जो क्वार्टाइल का एड्रेस क्या होगा मतलब कि मुझे कैसे पता लगेगा फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर लिख लेता हूँ तीन चार पाँच आठ नौ बारह पंद्रह सत्रह अठारह उन्नीस बीस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह सही साफ़ साफ़ लिखता हूँ थोड़ा सा आराम से तसली पूर्वक तीन चार सात आठ पंद्रह सत्रह इक्कीस तेईस इकतालीस पैंतालीस अब मान लो मेरे पास एक सीरीज है है ना मुझे इसका एवरेज परफॉर्मेंस देखना है तो मुझे मीडियन निकाल लेना चाहिए एवरेज तो मैं नहीं सिखा रहा हूं एवरेज सिखा चुका तो मैं एवरेज की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं एवरेज परफॉर्मेंस के लिए आप एवरेज भी निकाल सकते हो पर मैं बात कर रहा हूं यहां पर क्वार्टाइल वगैरह क्या होते हैं तो बेसिकली अगर मैं मीडियन निकाल लूंगा तो पूरी सीरीज का जो है आपके पास में एक परफॉर्मेंस आ जाएगा लेकिन अगर मुझे फर्स्ट हाफ सीरीज का चाहिए मतलब क्यू वन चाहिए तो मुझे क्या चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा और मुझे कॉर्टाइल चाहिए अब चार इक्वल पार्ट में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फर्स्ट पार्ट कहां तक है सेकंड पार्ट कहां तक है और थर्ड पार्ट कहां तक है तो इसलिए है ना आप क्वार्टल के लिए क्या कर सकते हैं फॉर एग्जांपल साइज ऑफ Q1 साइज ऑफ Q1 तो साइज ऑफ Q1 का बेसिकली फॉर्मूला क्या है आपके पास में इसका फॉर्मूला होगा एन प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर फोर्थ टर्म ये एड्रेस पता लगेगा मतलब कि कहां पर मिलेगा आपको क्यू वन का क्यू वन मिलेगा मतलब कि चार इक्वल में डिवाइड कर दिया तो चार इक्वल पार्टीशन कर दिया तो फर्स्ट का एंड कहां पर होगा ये वो एड्रेस दे देगा तो कितने टर्मस है मतलब कितना ऑब्जर्वेशन है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह तो ग्यारह प्लस एक डिवाइडेड बाय फोर तो बेसिकली क्या हो गया थर्ड थर्ड टर्म ठीक है तो इसका मतलब हो गया कि मेरा क्यू वन कहां पर मिलेगा थर्ड टर्म पे मिलेगा थर्ड टर्म पे क्या है सेवन है तो क्यू वन की वैल्यू क्या होगी सेवन इसी तरीके से अगर मैं निकालना चाहता हूं size of Q2. तो क्यू Q2 टू निकालना चाहता हूं तो पहले मेरे को क्यू वन वाला फॉर्मला अप्लाई होगा क्या एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म ठीक है बच्चे तो साइज ऑफ क्यू टू फोर्थ टर्म और यहां पर मेरे पास में एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म तो क्यू टू निकाल टू तो से मल्टीप्लाई भी करना है जिससे कि मैं फर्स्ट क्वार्टर को टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा ये ये सेकेंड क्वार्टर पे चला जाएगा बात समझे कि फर्स्ट क्वार्टर यहां एंड हो रहा है तो टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्योंकि हर चारों की चारों इक्वली पार्टीशन है तो टू से मल्टीप्लाई करने पर ये सेकंड क्वार्टर पे चला जाएगा सेकंड क्वार्टर का एड्रेस दे देगा तो क्यू टू के लिए टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे टू इलेवन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म तो क्या हो गया आपके पास में सिक्स टर्म और इसी को हम क्या बोलते हैं इसको हम मीडियम भी बोलते हैं क्या बोलते हैं मीडियम क्योंकि ये बीच में ले जाता है आपको और मीडियम होता है मिड नंबर तो सॉल्व करेंगे आपका क्यू टू की वैल्यू क्या होगी सिक्स पे तो एक दो तीन चार पांच छ तो आपका क्यू टू क्या हो गया सेवनटीन हो गया मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल सीरीज की उसी तरीके से मैं यहां पर क्यू थ्री निकालता हूं यहां पर मैं क्यू थ्री कैलकुलेट कर रहा हूं तो वही फॉर्मूला रहेगा पहले फर्स्ट क्वार्टर पे तो आप जाइए फोर्थ टर्म पहले आप फर्स्ट क्वार्टर पे जाइए बट तीन से मल्टीप्लाई कर देना तो थर्ड क्वार्टर पे पहुंच जाओगे क्लियर है तो आप सॉल्व करेंगे तो थ्री इलेवन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर तो सॉल्व करेंगे बारह चार तीन नो टर्म तो Q3 की वैल्यू क्या आ जाएगी Q3 की वैल्यू आपके पास में नाइन्थ टर्म का मतलब आपके पास में छ सात आठ नो तो क्या आ जाएगा आपके पास में थर्टी सेवन तो इस तरीके से आप अपना जो है क्वार्टाइल फाइंड करेंगे तो पहले एड्रेस ले लीजिए आप साइज ऑफ क्यू थ्री क्यू टू साइज ऑफ क्यू थ्री की बात कर रहा था मैं साइज ऑफ क्यू थ्री साइज ऑफ का मतलब पहले एड्रेस ले लीजिए कि साइज ऑफ क्यू वन मतलब कि जो क्यू वन है वो कहां पर मिलेगा कौन से स्थान पर मिलेगा कौन से प्लेस पर मिलेगा मुझे इतना तो मालूम है कि क्वार्टाइल फाइंड कर रहा हूं चार इक्वल में डिवाइड चार इक्वल पार्टीशन हो गया बट

थ्री इज द क्यू टू इज द मीडियन क्यू टू क्या होता है आपका मीडियन होता है अब साइज कैसे निकालेंगे अगर आप जो है के टर्म का निकालेंगे तो आपको पास में के से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा जैसे कि फर्स्ट का निकाल रहे हैं तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई टू से निकाल रहे हैं तो टू से मल्टीप्लाई थ्री से निकाल रहे हैं तो थ्री से मल्टीप्लाई तो बाकी फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मला एन प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन आपका लगी रहा है अब यहां पर आपके पास पे चाहे वो आपका इंडिविजुअल सीरीज हो चाहे वो आपका डिस्क्रीट सीरीज हो तो साइज ऑफ क्वार्टाइल का फॉर्मुला यही रहेगा हाँ कॉन्टीन्यूस सीरीज की अगर मैं बात करता हूं आपके पास में आता हूं मैं सीरीज में सीरीज में बस आपके पास में जैसे कि आप निकाल रहे थे ना का फॉर्मुला नहीं था हमारे पास में एल प्लस एन बाय टू तो यहां पर आपके पास में के बाय फोर होगा ठीक है माइनस सी या फिर आप सी एफ कह सकते हैं अपॉन एफ और इन आई जो आपका फॉर्मूला था मीडियम का वही बट यहां पर क्या जाएगा टू की जगह पर फोर हो जाएगा कैसे करेंगे मैं अभी एक क्वेश्चन लेकर के बताऊंगा आपको फिलहाल आप देखेंगे अभी डिसाइल्स वगैरह मैं नहीं बता रहा पहले क्वार्टाइल को मैं इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रिट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में फिनिश कर रहा हूं एक क्वेश्चन लीजिए हा ये है द मार्क्स ऑपटेन बाय नाइन स्टूडेंट्स इन टेस्ट आर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फिफ्टीन एंड फोर्टी फाइव एटीन सेवन टेन थर्टी एट एंड ट्वेल्व फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू वन क्यू थ्री एंड डी टू ये डी साइल्स है एंड परसेंटाइल्स है तो मैंने डी साइल एंड परसेंटाइल्स अभी आपको नहीं बताया अभी निकालना नहीं है आप बस क्यू वन क्यू थ्री निकाल दीजिए सीरीज कौन सा है इंडिविजुअल सीरीज है तो क्वार्टाइल का कौन सा है इंडिविजुअल सीरीज है तो आइए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे आप तो बच्चे फर्स्ट स्टेप आपका क्या है फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें ठीक है तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग किसी में कर लेना नाइन स्टूडेंट ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन एटीन सेवन तो सबसे पहले क्या आएगा सेवन सेवन के बाद आपका क्या आना चाहिए ट्वेल्व टेन फिर क्या आना चाहिए आपका ट्वेल्व ट्वेल्व के बाद आपका फिफ्टीन फिर आपका एटीन फिफ्टीन एटीन के बाद आपके पास में ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव और उसके बाद आपके पास में ट्वेंटी फाइव के बाद थर्टी एट देन आपके पास में फोर्टी फाइव तो दो चार छ आठ नौ नौ हो गया नाइन ऑब्जर्वेशन हो गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे चलिए मैं क्यू वन की बात कर रहा हूं पहले क्या निकालना है आपको क्यू वन कैसे निकालेंगे साइज ऑफ वन क्या फॉर्मूला होता है इसका क्वार्टाइल वन एन प्लस वन डिवाइडेड फोर्थ टर्म तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म तो क्या हो जाएगा टेन बाय फोर तो सॉल्व करेंगे आप यहां पर टेन बाय फोर को तो चार दुनी आठ जीरो चार पंचे बीस तो टू पॉइंट फाइव फिफ्थ टर्म टू पॉइंट फिफ्थ टर्म क्लियर है अब यहां पर आपके पास में क्यू वन आप कैसे निकालोगे अपना तो क्यू वन लेकिन इस बार क्या है कि टू पॉइंट फिफ्थ टर्म पे सेकंड टर्म पे होता तो मैं पकड़ लेता सेकंड वाला थर्ड पे होता थर्ड वाला पकड़ लेता लेकिन ना तो सेकंड है ना तो थर्ड है 2.5th है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है अपना q1 कैसे निकालेंगे कि सेकंड टर्म कभी भी पॉइंट में आ जाए तो उसको समझिए सेकंड टर्म प्लस जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है 0.5 जो पॉइंट है 0.5 तो ये किसके बीच में आता है यह थर्ड और सेकंड के बीच में आता है तो लिखेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म जब भी डेसिमल में आपका जो है प्लेस साइज ऑफ आप कभी भी साइज डेसिमल में आ जाए तो कैसे करेंगे पूरा राउंड नंबर आपको ले लिया सेकेंड टर्म उसके बाद प्लस करके डेसिमल जो है पॉइंट फाइव है पॉइंट टू के बाद कितना है पॉइंट फाइव ले लो और किसके बीच में स्टैंड करता है थर्ड और टू के बीच में तो पहले थर्ड फिर उसका सेकेंड अब आपके पास क्यू वन की वैल्यू क्या आएगी इक्वल्स टू सेकेंड टर्म क्या है आपका सेकेंड टर्म आपका दस है जीरो पॉइंट फाइव तो फिक्स है चलिए थर्ड टर्म क्या है आपका थर्ड टर्म आपका बारह है सेकेंड टर्म क्या आपका दस है आइए सॉल्व करते हैं आप तो दस प्लस पॉइंट फाइव मतलब आधा और ये क्या हो जाएगा दो तो इसका मतलब क्या हुआ दस प्लस एक तो ये हुआ ग्यारह तो Q1 की वैल्यू कितनी आई आपकी एलेवन बात समझिए बच्चे और इसी तरीके से आपको क्या निकालना है यहाँ पर Q3 निकालना है आपको अब क्या निकालना है आपको क्यू थ्री तो आइए साइज ऑफ क्यू थ्री क्या फॉर्मला अप्लाई करोगे एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर एन मल्टीप्लाई बाय थ्री थर्ड निकाल टर्म तो सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा ये आपके पास में छ और डेढ़ आपका साढ़े सात सेवन पॉइंट फिफ्थ टर्म सॉल्व करेंगे तो उसको और सेवन पॉइंट फिफ्ट को कैसे लिखोगे आप क्यू थ्री के लिए क्यू थ्री इक्वल्स टू सेवंथ टर्म प्लस जीरो पॉइंट पांच और यहां पर आप क्या लिखोगे एथ टर्म माइनस सेवंथ टर्म तो सॉल्व करोगे तो आपके पास में सेवेंथ टर्म क्या है एक दो तीन चार पांच छह सात पच्चीस प्लस जीरो पॉइंट पाँच और आपके पास में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो आपका पास में अड़तीस माइनस पच्चीस क्या होगा तो आपके पास में पाँच और आठ तेरह ठीक है ना क्लियर है पाँच और आठ आपका तेरह सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा पच्चीस और तेरह का आधा साढ़े छः सिक्स पॉइंट फाइव तो कितना हो गया आपका पच्चीस छः इकतीस पॉइंट पाँच तो इकतीस पॉइंट पाँच आपका क्या Q3 हो गया क्यू थ्री की वैल्यू होगी बात समझ गए बच्चे क्लियर है कोई डाउट किसी बच्चे को तो इस तरीके से आप जो है अपने क्वार्टाइल्स को फाइंड कर सकते हो तो आज मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट करना सिखाया है चलिए पहले आप इसको नोट करें फिर आगे बात करेंगे हाँ जी बच्चों, देखो जरा अब बात करते हैं हम किसकी डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं क्वार्टाइल की कहानी किसमें डिस्क्रिट सीरीजें पढ़ते हैं डिस्क्रिट सीरीज एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ मेरे पास में एक एक्स है दस पाँच सात दस पाँच सात ग्यारह आठ एक फ्रीक्वेंसी है पंद्रह बीस पंद्रह बीस पंद्रह अठारह बारह और मुझे क्यू वन एंड क्यू फाइंड करना है इसके अंदर ठीक है बच्चे फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 वन एंड क्यू थ्री हाँ जी बच्चे दन देखिए क्यू वन डिस्क्रिप्टी अब हमेशा ध्यान रखो बच्चे जहां पर भी हमें एड्रेस लेना होता है जहां पर भी साइज लेना होता है कि चीजें कहां पर मिलेंगी एड्रेस लाइक मीडियम में भी लेना था तो वहां पर हमें एफ का सी एफ करना पड़ता है मीडियम में भी करते हैं यहां भी करेंगे एफ का सी एफ ठीक है जहां पर भी साइज का होता है तो पंद्रह और बीस पैंतीस और पंद्रह पचास और अट्ठारह सिक्सटी एट और ये आपका अस्सी क्लियर है और सम भी कितना है इसका आपका सिग्मा एफ़ आपका एट्टी जिसको आप एन भी बोलेंगे ठीक है जी हाँ जी सी एफ आ गया अब वही आप करेंगे पहले क्यू वन के लिए साइज ऑफ क्यू वन कैलकुलेट करेंगे साइज ऑफ क्यू वन इक्वल्स टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म सॉल्व करते हैं हम यहां पर एन एन मेरे पास में क्या है अस्सी प्लस एक डिवाइडेड बाय चार फोर्थ टर्म तो आप मेरे पास में ट्वेंटी पॉइंट टू फाइव फिफ्थ टर्म तो यहां पर अगर डिस्क्रीट सीरीज तो बहुत आसान है पॉइंट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ऑलरेडी इस पर चर्चा हो चुकी है कि ट्वेंटी पॉइंट टू फिफ्थ टर्म कहाँ मिलेगा तो ट्वेंटी पॉइंट टू फिफ्थ टर्म तो यहाँ से तो आपका पंद्रह तक तो आपका डेटा कौन सा दस है लेकिन पंद्रह के बाद प्लेस से आपका पैतीसवें प्लेस तक कौन बना हुआ डाटा पांच बना हुआ है तो ट्वेंटी पॉइंट टू फाइव पर भी कौन होगा आपका पांच ही होगा देखिए किसके अंदर आता है ट्वेंटी पॉइंट टू फाइव इसके अंदर नहीं आता है वो इसमें आता है ना सी में इसके अंदर तो इसके सामने कौन सा डाटा है आपका पांच तो यहां पर बेसिकली क्यू की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में पांच ठीक है क्लियर है क्योंकि दस तो पंद्रह तक इस एंड हो गया पंद्रह के बाद शुरू हुआ और पैंतीस तक रहा कौन पांच ठीक है ना तो टू पॉइंट ट्वेंटी पॉइंट टू फाइव पर कौन होगा पांच होगा इसी तरीके से आपको क्या निकालना है यहां पर साइज ऑफ Q3 ये क्या होगा आपके पास में साइज ऑफ Q1 वाला फार्मूला सेम रहता है अपॉन में फोर्थ टर्म और यहां पर आपके पास में थ्री निकालो तो थर्ड से मल्टीप्लाई सो सॉल्व करोगे आपके पास में क्या होगा थ्री और क्यू वन तो रहेगा रहेगा फिफ्थ टर्म तो सिक्सटी पॉइंट सेवन फिफ्थ टर्म तो आप देखेंगे जरा क्यू थ्री तो सिक्सटी पॉइंट सेवन फाइव किस में मिलेगा सिक्सटी पॉइंट दिस वन इसमें मिलेगा ना तो इसके सामने कौन सा डाटा है एलेवन तो क्यू थ्री का आंसर क्या हुआ एलेवन तो अब आपको डिस्क्रीट सीरीज़ भी अच्छे समझ में आ गई बच्चे कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज़ पूछ लीजिए तो नोट करो चलिए नेक्स्ट कर रहे हम कॉन्टिन्यूस सीरीज तो हमारा क्वटाइल एंड हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट कौन सा है बच्चे कॉन्टिन्यूस सीरीज तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या है मार्क्स है वेट हाँ वेट कर लो पांच मिनट मार्क्स है बच्चे हमारे पास में ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव से थर्टी 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 फाइव और फोर्टी फोर्टी फाइव एंड फोर्टी फाइव टू फिफ्टीन और ये आपका कॉन्टीन्यूस सीरीज़ क्या होता है ऑलरेडी डिस्कशन बहुत डिटेल में हो चुकी है बच्चे मैंने पहले इतना टाइम इसलिए लिया था बताने में ताकि आगे का सफर आपके लिए आसान हो तो कॉन्टीन्यूस सीरीज जो बच्चे बिल्कुल बीच में से क्लास बिल्कुल नहीं देखें कुछ भी समझ में नहीं आएगा मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को स्टार्टिंग से देख के चले ये कॉन्टीन्यूस सीरीज में जो डेटा वो एक्स के कॉलम में आएगा अब इसके बाद इसकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस हो चुका हमारा दस बीस बीस दस बीस पंदर, पंदर, बीस पंद्रह पंद्रह बीस कहीं गड़बड़ कर दी हमने बीस से पच्चीस पच्चीस तीस तीस से पैंतीस पैंतीस से चालीस चालीस से पैंतालीस और पैंतालीस से पचास ठीक है हाँ जी तो बीस बीस हो गया और उसके बाद पंद्रह पंद्रह बीस पंद्रह पंद्रह बीस चलिए तो क्वार्टाइल का मतलब होता है ना पहले इसका साइज एड्रेस लेना पड़ता जहाँ भी एड्रेस लेना पड़े वहाँ पे एफ़ का सी एफ़ करना ही पड़ेगा आपको तो आइए क्या होगा दस और बीस ऐड कर देंगे तो हो जाएगा तीस पचास कैसे सी एफ़ निकालते हैं ऑलरेडी मीडियम में बात कर चुके हम इसके सिक्सटी फाइव और ये सत्तर और ये अस्सी और ये बीस आने सौ और ये क्या हो जाएगा मेरा एन इक्वल्स टू हंड्रेड चलिए साइज ऑफ पहले मैं क्यू वन निकाल रहा हूं इसमें दिस वन तो साइज ऑफ क्यून साइज ऑफ क्यू वनवल टू आपके पास में क्या सीरीज है तो यहां पे फॉर्मुला रहने वाला है एन बाय फोर्थ ऑनली प्लस वन नहीं आता है मीडियम में भी नहीं था यहां भी नहीं आएगा फोर्थ टर्म आप सॉल्व करते हैं इसको तो हंड्रेड बाय फोर्थ टर्म इक्वल्स टू ट्वेंटी फिफ्थ टर्म बात समझ गया क्लियर है कोई डाउट किसी बच्चे को तो यहां पर हम सॉल्व करते हैं उसको साइज ऑफ क्यू वन इक्वल्स टू साइज ऑफ क्यू वन तो आ गया मैं यहां पर क्यू वन निकाल रहा हूं तो Q1 का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास में L प्लस एन बाय फोर ठीक है माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू आई अब आपका ट्वेंटी फिफ्थ किस में आता है ट्वेंटी फिफ्थ तो आपका इसमें आएगा ठीक है अब सी एफ में देखेंगे ट्वेंटी फिफ्थ तो आपका इसमें आएगा तो यहां से आपके पास में क्या क्या है इसके अंदर लोअर लिमिट क्या है एल इक्वल्स टू क्या आपका ट्वेंटी फाइव और आपके पास में एन बाई फोर आपका ऑलरेडी है क्या ट्वेंटी फाइव और आपका आई क्या है पाँच गैप जो है और एफ क्या है आपका इस इंटरवल में ट्वेंटी और सी एफ क्या है आपका सी एफ इससे ऊपर वाला होता है तो टेन तो बस क्यू वन इक्वल्स टू अब आप कैलकुलेट करने चलते हैं तो क्यू वन इक्वल्स टू एल एल मतलब क्या होगा आपके पास में पच्चीस प्लस पच्चीस माइनस सी एफ अपॉन आपका एफ इंटू आई पच्चीस प्लस पांच बटा बीस एक बटा चार गुणा पांच एंड क्यू वन इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव प्लस वन पॉइंट टू फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स पॉइंट टू फाइव क्वार्टाइल वन हो गया बात समझे बच्चे क्वार्टाइल थ्री निकालेंगे तो आपको पता है साइज ऑफ क्यू थ्री क्या हो जाएगा यहां पर मल्टीप्लाई बाय थ्री लग जाएगा ठीक है और यहां पर भी आपके पास में थ्री आ जाएगा क्लियर है तो किसी बच्चे कोई डाउट तो यहां पर कंटिन्यूस सीरीज में आप बस इस बात को ध्यान रखेंगे क्यू थ्री के लिए क्यू थ्री के लिए साइज ऑफ क्यू थ्री साइज ऑफ क्यू थ्री इक्वल्स टू एन बाय फोर्थ टर्म ये थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है और फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास में क्यू थ्री का आपके पास में एल प्लस थ्री एन बाय फोर माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू आई बात समझिए बच्चे क्लियर है तो ये आपने मीडियन का रखा है तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए क्लियर है तो आज की क्लास में इतना ही जिससे मैंने क्वार्टाइल को इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज तीनों में ही वाइंड अप कर दिया है मैं नेक्स्ट क्लास में डिसाइल पे बात करूंगा फिर एक क्लास में मैं आपसे जो है परसेंटाइल पे बात करूंगा क्लियर है तो ये तीन टाइप्स के पार्टीशन हमारे कवर हो जाएंगे